नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी हमारे YouTube चैनल स्मार्ट आईटीएम। कैसे आप लोग, आशा करते अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए फिर से एक न्यू रिक्रूटमेंट जो कि ECIL की तरफ से निकल कर आई है। ECIL यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, कंपनी का नाम है ECIL यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद की है। 13 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आ गया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इज इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ ITI ट्रेड एप्लीकेशन ECIL हैदराबाद, यानी कि अप्रेंटिस के पद पर निकाली गई है, ठीक है। किसके पद पर? अप्रेंटिस के पद पर वैकेंसी निकाली गई है। अब बात करते हैं ट्रेड की और टोटल सीट की। तो देखिए, ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 162 सीट, इलेक्ट्रीशियन 70 सीट, फीटर 70 सीट और मैकेनिक RAC 17 सीट, टर्नर 17 सीट, मशीनिस्ट 17 सीट, मशीनिस्ट ग्राइंडर 13 सीट, कोपा 45 सीट, वेल्डर 22 सीट और पेंटर टोटल आपकी 437 सीट है आउट ऑफ 437 सीट। चलिए, और इसमें देखिए 17 सीट वुड बी हॉरिजॉन्टली रिजर्व फॉर PWD कैंडिडेट, मतलब कि इनमें से 17 सीट आपका PW कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एज की बात करें तो देखिए इसमें एज क्राइटेरिया जो है आपका 31/10/2024 से जोड़ा जाएगा, ठीक है, और 18 से 25 साल के बीच में होना चाहिए। OBC 28 ईयर्स, SC ST 30 ईयर्स मिनिमम और 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा PWED वालों को, ठीक है। अप्रेंटिस पीरियड की बात करें तो आपका 1 ईयर का पीरियड रहेगा। एसेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए ITI पास सर्टिफिकेट, NCVT सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका। जो भी ट्रेड जिस ट्रेड से आप, उस ट्रेड का ITI का सर्टिफिकेट और रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं मेथड ऑफ सिलेक्शन। तो देखिए, कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन ITI मार्क के मेरिट पर। आपका जो मेरिट में मार्क्स रहेगा आपका, ITI अगर आपने 90% लाया है या 80% लाया है, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। अब देखिए, 70% ऑफ सीट विल बी इंगेज विद गवर्नमेंट ITI स्टूडेंट, यानी कि 70% सीटें जो रहेंगी वो गवर्नमेंट ITI वालों के लिए दी जाएंगी, ठीक है। बची 30% सीटें प्राइवेट ITI वालों के लिए रखा जाएगा, 70% गवर्नमेंट ITI वालों के लिए रखा जाएगा, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विल बी फॉर्म 7/10/2024 से 9/10/2024। एग्जैक्ट डेट विल बी एस्टिमेटेड बाय ईमेल। कैंडिडेट ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एंड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अटेंड डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन विद इन शॉर्ट नोटिस, यानी कि आपको 7 से 9 के बीच में बुलाया जाएगा आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आपको सभी डॉक्यूमेंट लेके आना पड़ेगा, इसके लिए आपको शॉर्ट नोटिस भेजा जाएगा, ठीक है। वेन्यू ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें, यानी कि कहाँ पे आपको जाना है, जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो देखिए आपका पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कॉर्पोरेट लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर, नालंदा कॉम्प्लेक्स, TIFR रोड, ECIL हैदराबाद, ठीक है, जाना पड़ेगा। चलिए, इसी पते पर आपको जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आगे बात करें जनरल कंडीशन, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जनरल कंडीशन जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। तो देखिए, कैंडिडेट ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना स्टेट ओनली। अब ये देखिए, कैंडिडेट रिजाइड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना स्टेट ओनली से केवल तेलंगाना स्टेट के बच्चे भर सकते हैं, ठीक है। स्टेप वन, इंस्टेटेड कैंडिडेट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट फर्स्ट रजिस्ट्रेशन देमसेल्फ वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट www.apprenticeshipindia.com पर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, पहला स्टेप है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ECIL.in पर जाके करियर जॉब ओपनिंग पर जाके आपको फॉर्म को फिल करना पड़ेगा, फिर सभी चीज़ें अच्छे से भरनी पड़ेंगी, ठीक है। ठीक है, तो इसमें आपको इम्पोर्टेंट डेट बता देते हैं हम। देखिए, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन 13 तारीख से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट की बात करें तो 29 तारीख है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 7 से 9 के बीच में होगा अक्टूबर में, और कंप्लीशन ऑफ ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ आपका 28 से 30 के बीच में होगा, और कमिटमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आपका 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा नवंबर में, ठीक है। तो इतनी जानकारी इसमें थी। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में नए रिक्रूटमेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।